का परचम लहरा के आए है भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवाधारी, हर रावण की लंका जला के आए है भगवाधारी। कालदर्शि के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश, सिंह का कवद करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए, संदेश आएंगे श्री राम लखन जल। रावण जी गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस। और गाइस आज होने वाला है बहुत बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में, हमारे हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पे अक्षत कलश यात्रा निकलने वाली है पूरे हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की ओर, और अभी हम जुड़ने वाले हैं जिसमें जो अक्षत कलश आया है श्री अयोध्या धाम से, और उसमें सारे चावल आए हैं। और 22 जनवरी को यहाँ पे पूरे हरिद्वार में 10-10 ग्राम हर एक घर में जाएंगे वो अक्षत, और सबको श्री राम का नारा लगाना है और भगवा रंग फैलाना है, तो इसीलिए शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। और हम आए हैं सुबह के 9 बजे और सारी सनातनी भाई तैयार हो रहे हैं, और फिर निकलेगी अच्छे तरीके से शोभा यात्रा। बोलो जय श्री राम। चले गाइस अब लगाते हैं श्री राम जी का टीका और करते हैं जय श्री राम के नारे का ऊंचा। जय श्री राम, जय श्री राम के लिए भगवा रंग आ चुका है और भगवा रंग फैलाने के लिए तैयार। और जय श्री राम बोल लीजिए एक बार। जो ये सामने चारों के चारों अक्षत कलश हैं, पावन अक्षत कलश, वो सारे अयोध्या से आए हैं और श्री राम मंदिर से आए हैं, और इसी में से सबको 10-10 ग्राम हर एक घर में जाएगा हरिद्वार में, और इसी अक्षत कलश को लेके अभी शोभा यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ये देखिए, तो इसमें पवित्र अक्षत रखे हैं जिसे मैं टच नहीं करूँगा, और यहाँ पे हम इनकी शोभा यात्रा निकालेंगे। बोलो जय श्री राम। ये देखो, और चलिए गाइस अब ये भगवा रंग अपने गले में धारण करते हैं और श्री राम का नारा लेके करते हैं इस पावन अक्षत कलश यात्रा की शुभारंभ। श्री गणेश बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। सियावर रामचंद्र भगवान की। मातरम् जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक किनारा एक नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सनातनी भाई तैयार है हमारे श्री राम का नारा लेके। बोलो जय श्री राम। और लो भैया यहाँ से सारे चौहान साहब तैयार हैं, सारे के सारे चौहान साहब, और यहाँ पे हमारे प्रधान जी तैयार हैं अपने इस शोभा यात्रा में निकल रही है उसमें भागीदारी लेने के लिए और श्री राम का नाम ऊंचा करने के लिए। और जय श्री राम। जय श्री राम। दो शब्द बोलिए, दो शब्द बोलिए इस शोभा यात्रा से जुड़े हुए। श्री राम का दिन है। हाँ जी, राम का ही दिन है। राम का ही दिन, राम राज्य आने वाला है। राम राज्य आने वाला है। जय श्री राम। तो वो पल ही क्या होगा जब 22 तारीख को श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा और चारों ओर भगवा रंग फैलेगा। बोलो जय श्री राम। ढोल ताशे सब आ गए। पवित्र अक्षत कलश का पूजन हो गया है और सब यहाँ पे पुष्प चढ़ा रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की।
है साहब यहाँ पे अक्षत कलश के शोभा यात्रा में शामिल हो चुके हैं और करते हैं शोभा यात्रा का प्रारंभ। बोलो जय श्री राम। ये है अक्षत कलश जो अयोध्या से श्री राम मंदिर से आए हैं। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। तो भैया महिला मंडल किसी से कम थोड़ी है। या जब ये दृश्य हमारे श्री राम जी देख रहे होंगे तो कितना खुश हो रहे होंगे कि उनके जो भक्त हैं उनकी इस शोभा यात्रा को पूरे भारतवर्ष में निकाल रहे हैं और चारों ओर भगवा रंग फैला रहे हैं। बाकी ये जो शोभा यात्रा है की शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। श्री राम जी की शोभा यात्रा में देख रहा पूरा सिस्टम हैंग कर दिया क्योंकि हमारे श्री राम है इतने अनोखे तो उनकी शोभा यात्रा क्यों नहीं अनोखी होनी चाहिए। तो ये देखो सारे भगवानदारी आगे भैया है। जय श्री राम। तो भैया किसी ने सोचा नहीं था कि श्री राम मंदिर बनेगा। 500 साल के बाद बन रहा है श्री राम मंदिर और जब इनॉग्रेशन होगा तो क्या ही बात होगी। जय श्री राम। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवा धारी हर दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवा धारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवान हरे अरे रावण की लंका जला के दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश सिंह का कवध करके पहुंच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुंचाए संदेश आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन दे। अरे बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। माता अंजनी के लाल महाबली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवान हरे अरे दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवान हरे। श्री राम जी का परचम लहरा के भगवान हरे अरे रावण की लंका जला के आए है भगवान हरे। करे अनुबंध अशुभ वाटिका विध्वंस सारे राक्षसों का मर्दन। भैया बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरी शोभा यात्रा निकल रही है और श्री राम का नारा लेते चल रहे हैं और अपने भगवान रंग का प्रचार कर रहे हैं और इस शोभा यात्रा को एकदम बहुत ही जबरदस्त बना रहे हैं और नारे लगे जा रहे हैं लगातार। ऐसी यात्रा सोची नहीं होगी भैया। कहा करे मेरे बलवंत अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भयबंध। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन। अरे बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। अब पुष्प वर्षा हो रही है यहाँ पे। ये देखिए पुष्प वर्षा। जय श्री राम। क्या बात है। पुष्प वर्षा की जा रही है यहाँ पे ग्रामीण वासियों की तौर से इस शोभा यात्रा में। पुष्प वर्षा चल रही है लगातार इस शोभा यात्रा का। यहाँ पे
अच्छे तरीके से आगमन हो रहा है गांव में। यहां पे श्री राम जी की झांकी जुड़ चुकी है इस शोभा यात्रा से। अपने लहू में राजा केसरी के नंद महाबली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवानारी। अरे दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवानारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवानारी। अरे रावण की लंका जला के आए है भगवान। ऐसी शोभा यात्रा आपने शायद सोची नहीं होगी। फुल आपके लिए रिकॉर्ड करके चल रहे हैं और भगवान श्री राम के लिए हमारी छोटी सी वेट हरिद्वार वासी की ओर से। ठीक है, अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जय श्री राम लिखना मत भूलना। यहाँ पे ड्रोन शॉट भी ले जा रहे हैं भाई के। ठीक है, बहुत सही काम कर रहे हैं भैया। ड्रोन शॉट ले जा रहे पूरे, सिस्टम पूरा हैंग हो रखा है यहाँ पे देखो। और वो चल जाओ ऊपर ड्रोन। जय श्री राम। कितना रखा है इस शोभा यात्रा के लिए, क्योंकि इस शोभा यात्रा की सुरक्षा का भी तो एक जिम्मेदारी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पुलिस बल पूरा रखा है और आगे आगे चलता जा रहा है। देखो पीछे बहुत लंबी शोभा यात्रा है और सामने यहाँ पे पुलिस बल चल रहा है भैया लाठियों के साथ। इसकी शोभा यात्रा की सुरक्षा और शोभा यात्रा की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे पुलिस बल लेगा। देखो यहाँ हमारे वीर जवान चलते हुए। जय श्री राम। क्या बात। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवानारी। अरे दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवानारी। तो भैया आप कमेंट करके बताना आपको श्री राम जी की शोभा यात्रा कैसी लगी। बाकी मैं सुबह के 9 बजे आ गया तो 9 बजे से पहले ही और 1:30 बज चुका है तो मेरे को 4.5 घंटे से ज्यादा हो गए और मैंने कुछ सुबह तक खाया भी नहीं और मेरे को जाना भी है। तो शोभा यात्रा में काफी हद तक मैं घूमा 10 किलोमीटर करीब करीब और जिसमें 10 मिनट में 6-7 किलोमीटर पैदल चले, पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि श्री राम का काम था तो हर जगह हम खड़े हैं। बाकी अब जल्दी से चलता हूं क्योंकि काम और भी है और संडे है तो इसीलिए थोड़ा और कुछ और भी काम कर लेंगे। बाकी जय श्री राम और जय श्री राम का नारा लगा देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि ये हमारी नहीं पूरे सनातन धर्म की और हिंदू धर्म को प्रचारित करने वाली ये वीडियो है। ठीक है, तो जय श्री राम, हर हर महादेव और ऐसे ही श्री राम का नारा पूरे दुनिया में फैलेगा। बोलो जय श्री राम। और अब मजा आएगा 22 तारीख को जब इनॉग्रेशन होगा और पूरे देश में चारों ओर प्राण प्रतिष्ठा की स्क्रीनिंग होगी और मजा आएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवानारी। अरे रावण की लंका जला के आए है भगवानारी।